हेलो दोस्तों, अगर आप अपनी फ्रिज को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं, उसे खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो कोई भी पुराना कार्ड आप फ्रिज में रख दीजिएगा। आपकी फ्रिज कभी खराब नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत समय तक ऐसे ही चलती रहेगी और बिजली बिल भी आपका बचेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले टिप्स हम देखने वाले हैं, वो होने वाली है हमारी बेसन को लेकर। बेसन सभी के घरों में खाया जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नमी ये पकड़ ले बेसन, तो आप सभी को पता है इसमें जाले कीड़े हो जाते हैं। अब बेसन हम लाते हैं, कोई भी चीज इस महंगाई के जमाने में खराब करना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप बेसन को भरने जा रहे हैं किसी भी डिब्बे में, तो उससे डिब्बे को धोकर आपको वॉश करके सुखा लेना है। सबसे पहले अगर पुराना बेसन रखा हुआ है पहले से किसी भी कंटेनर में, तो उसको निकाल लेना है, फिर धो करके अच्छे से सुखा करके दूसरा बेसन आपने भरना है। पहली बात तो हुई ये, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगने वाले हैं। दूसरा आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डिब्बे में इसको निकाल लेती हूँ बेसन को, क्योंकि बेसन, सूजी, आटा, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें कब कीड़े लग जाते हैं, कब जाले पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको लेनी होगी आपके घर में रखी हुई लौंग, जो मसाले में लौंग आती है खाने वाली, वही आपने ले लेनी है। और इसमें अपने हिसाब से आप 2, 4, 10, 5 जितनी भी लौंग डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। इसकी स्मेल से ना तो इसमें जाले लगेंगे बेसन के अंदर, और ना ही इसमें कीड़े वगैरह लगेंगे। आजमाई हुई ट्रिक है, कभी भी इसमें जाले वगैरह नहीं लगते हैं फ्रेंड। आप आटे में भी डाल सकते हैं इसे, सूजी में भी डाल के रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपका बेसन खराब होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। आप चेस्ट ट्राई करके देख सकते हैं, आपको फायदा मिलने वाला है। आई होप फ्रेंड कि ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरा नेल पेंट को लेकर। नेल पेंट सभी लेडीज लगाती हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद नेल पेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगती है, यानी कि उतर जाती है, और फिर हम दोबारा से इसी के ऊपर नेल पेंट को पोत लेते हैं, यानी कि लगा लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उससे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे नाखूनों को होता है। क्या नुकसान होता है ये आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जब नेल पेंट लगाने जाए, पुराने नेल पेंट को आपने रिमूव कर देना है। तो ये नेल पेंट रिमूवर बहुत ही यूजफुल है, मतलब बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। एक ही पैड से आप दोनों हाथ की नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं तो हमेशा जो लिक्विड वाला आता था, बोतल वाला, वो ही यूज करती थी, लेकिन ये पहली बार ट्राई की हूँ तो बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला था, बहुत ही अच्छा। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद से मंगाया है, लेकिन सोचा चलो जिनको नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो वो ये खरीद सकते हैं, लोकल मार्केट में कहीं पर भी मिल जाता है। और देखिए, एक ही पैड में आपके दोनों हाथ की नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपको लगा लेनी है नेल पेंट। तो जब आप इस तरीके से नेल पेंट लगाएंगे, आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जो आपकी नेल पेंट है फिनिशिंग के साथ लगेगी, खुरदुरी सी नहीं रही, कहीं को मोटी कहीं को पतली वैसी नहीं लगेगी, और सुंदर लगने वाली है। दूसरा फायदा जो मेन होने वाला है वो ये होने वाला है, जब हम पुराने नेल पेंट को रिमूव नहीं करते हैं और बार बार हम दोबारा ऊपर से नई नेल पेंट लगाते जाते हैं, तो इसी के चलते नाखूनों में दिक्कत, प्रॉब्लम होने लग जाती है। नाखून में सफेद सफेद से दाग आने लग जाते हैं, नाखून टूटने फटने लग जाते हैं। तो पहले पुराने नेल पेंट को रिमूव करें फ्रेंड, तब आप नई नेल पेंट लगाएं। अभी इसे लगा तो लेते हैं, अगर जल्दबाजी में कहीं जाना हो तो सूखती नहीं है, और हम अगर ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं तो ये हमारे कपड़ों से ही पहुंच जाती है और ये नेल पेंट हमारी खराब हो जाती है। तो आपने करना क्या है, बस कुछ ही सेकंड में आपकी जो नेल पेंट होगी ना, वो एकदम से फिक्स हो जाएगी आपके नेल्स पर। आपको लेने होंगे आइस क्यूब, आइस क्यूब नहीं है, ठंडा पानी ले लीजिएगा फ्रिज का, वो तो रहता ही है सभी के पास, और वो भी अगर नहीं है तो नल का ताजा ठंडा पानी आप ले लीजिएगा। 5 मिनट में आपकी नेल पेंट सेट हो जाएगी। अगर बर्फ डालते हैं आप, 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपकी नेल पेंट सेट हो जाती है, यानी कि नेल पेंट 30 सेकंड में फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी आपके नेल्स पर से नहीं उतरती है। ये होता है बर्फ का कमाल। अब यहाँ पर लिए हुए मैंने कुछ पुराने कार्ड, और पुराने कार्ड हमारे घरों में सभी के मिल ही जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि आजकल हर चीजों में कार्ड लगने लगे हैं, मेट्रो हो या फिर एटीएम हो या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब ये एक्सपायर जब हो जाते हैं तो हमारे घर में ऐसे पड़े पड़े फिरते हैं, हम इनको यूज नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, बड़ा अच्छा सा आपके साथ इसका यूज शेयर करने जा रही हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाला है, आपका मन जरूर खुश होगा। आप एक बार
ट्राई करके जो देखेंगे। तो आपको ले लेना है कोई भी प्योर कॉटन का कपड़ा, बिल्कुल भी मिलावट नहीं होनी चाहिए कपड़े के अंदर, प्योर कॉटन लेना है आपने, सूती कपड़ा ले लेना है। और इस तरीके से आपको कपड़े के अंदर इसको रखना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे आप रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन रुमाल थोड़ा सा मोटा हो जाता, इसीलिए मैंने रुमाल नहीं लिया है, ये मैंने इसीलिए कॉटन का कपड़ा यहाँ पर ले लिया है। अब जो ये रबड़ बैंड मेरे पास रखी हुई आपको दिख रही होगी, इसी से हम इसको फिक्स करने वाले हैं, वरना हमें दिक्कत होगी इसे हम हाथ से कब तक पकड़ के रखेंगे। तो एक रबड़ बैंड मैं इसके ऊपर लगा दी हूँ, अभी आराम से कपड़ा फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। चलिए फ्रेंड इसको यूज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, आपको मन खुश हो जाने वाला है। तो देखिए हमारे फ्रिज में होता क्या है, जब हम इसको काफी दिनों तक क्लीन नहीं करते हैं तो इसकी जो ये डोर होती है ना, ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। और ऐसा होता है ना कि हम फ्रिज में बीच बीच में तो कपड़ा घुमा देते हैं, लेकिन इसकी जो ये डोर होती है ना, इसमें जो ये रबड़ लगी हुई होती है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये धीरे 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 बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी फ्रिज बहुत जल्दी खराब हो गई, जब इसकी केयर ही नहीं करेंगे तो खराब होनी ही होनी है। पूरी फ्रिज को हम साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ये तो मैं 8 दिन में क्लीन करती ही करती हूँ, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो कितनी ज्यादा धूल मिट्टी डस्ट इसके अंदर चले जाती है। इससे प्रॉब्लम होती है, जब भी हम डोर को बंद करते हैं तो वो सही से लगता नहीं है, और सही से नहीं लगेगा डोर फ्रिज का तो अंदर की कूलिंग बाहर जाएगी और बाहर की जो गर्मी होती है वो फ्रिज के अंदर जाएगी। फ्रिज जल्दी से कूल नहीं हो पाती है, जिससे कि बिजली बिल ज्यादा लगता है हमारा, बिजली मतलब कि फ्रिज को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अब देखिए इस एटीएम कार्ड से ही मैं इस डोर को ना क्लीन कर देती हूँ। देखिए ये रबड़ के अंदर जितना भी गंदगी धूल मिट्टी फंसी हुई है वो सब आराम से निकल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा पतला होता है। अगर हम हाथ वगैरह से करेंगे इसे साफ, तो जो हमारी फिंगर होती है थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है, तो वो सही से क्लीन नहीं कर पाती। अब ये कोने कोने से अच्छे से धूल डस्ट मिट्टी जो भी है सबको निकाल देगा। अब जहां पर भी आपको लग रहा है आप हाथ से फिंगर से सही से क्लीन नहीं कर पाती हैं, वहां वहां पर आपको इससे क्लीनिंग कर लेनी है। तो है ना यूजफुल सी ट्रिक फ्रेंड, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। और फ्रिज की क्लीनिंग नहीं, आप उन सब चीजों की क्लीनिंग कर सकते हैं जहां पर फिंगर से क्लीनिंग करना संभव नहीं होता है। अब देखिए इसके जो ट्रे होती है, ट्रे के साइड में देखिए कि यहाँ पर कितनी गंदगी सी दिख रही होगी, काला काला से दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हाथ से सही से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, अब ये एटीएम से मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। अब आप खुद देख लीजिए फ्रेंड, ये जो हमारा कपड़ा है ना इस पे लगा हुआ कितना गंदा हो चुका है। और देखिए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे आपको फ्रिज को जरूर बंद करना चाहिए, इससे आपका बिजली बिल भी कम होता है और आपकी फ्रिज लंबे समय तक टिकी रहती है, चलती रहती है, खराब नहीं होती है। देखिए कितना गंदा फ्रेंड हो गया कपड़ा, अब इसको निकाल कर आप वॉश भी कर सकते हैं, फिर कपड़े को फेंक सकते हैं और एटीएम को अपने पास रख लीजिए, दोबारा क्लीनिंग के काम आएगा। और देखिए फ्रेंड ऐसा होता है ना, जो इसमें पावर मैनेज करने वाला बटन होता है उसको आप हाई मीडियम लो बदलते रहना चाहिए, ये नहीं कि आपने हाई करके छोड़ दिया, इससे बिजली बिल आपका बढ़ेगा। आई होप के फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।